जबलपुर में बदमाशों का हौसला कुछ इस कदर बढ़ गया है कि वो एक के बाद दूसरा अपराध करने से नहीं डरते। ताजा मामला मदन महल इलाके का है, जहां प्रियांशु नाम के बदमाश व साथ उसके दो तीन साथियों ने शराब पीने को लेकर एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। बदमाश केवल इतने में नहीं रुके, बल्कि वो अपनी पुरानी रंजिश निकालने केवट मोहल्ले पहुंच गए, जहां उन्होंने कुछ और युवकों के साथ मिलकर एक घर में पत्थरबाजी और मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी, क्या घटना हुई है, कहां की घटना है, कौन लोग हैं? ये केवट मोहल्ला की घटना है, और हमारे घर में कोई नहीं था। हम लोग देवरानी जेठानी हम लोग ऐसे घूम रहे थे आंगन में, तो उन लोग आए और धक्का मारे, बोले निकालो अपने बच्चों को। कहां गए, मतलब गंदी गंदी गाली दे के, अपन से तो बनती नहीं वो गाली, और इन लोग गंदी गंदी गाली दे के और बोलने लगे कि निकालो, कहाँ गए तेरे तेरे बच्चे, हमारे दो बच्चे और हमारे दो देवर हैं, उनको कहाँ गए, कहाँ घुसेड़ के रखे हो आप लोग, ऐसे बोल रहे। किस बात को लेके विवाद हुआ है? ये बम फोड़ रहे थे रोड में, मतलब घर के सामने, कल बम पटक के गए घर के। कहाँ पे बम पटक रहे थे, किस बात की खुशी में बम पटके जा रहे थे? वो मना रहे थे उन जन्मदिन, बर्थडे मना रहे थे। हाँ। कहाँ की घटना है ये? केवट मोहल्ला। कौन कौन लोग थे, उनका नाम बताइए? नाम तो नहीं जानते उनका। आपका शुभ नाम? ग्यारसी केवट। कहाँ रहते हैं? केवट मोहल्ला। क्या मामला है, कहाँ की घटना है, कौन लोग थे जिनने अपराध किया है? ये हमारे शुक्ला नगर केवट मोहल्ला है, जो मतलब पुरानी रंजिश चलते हुए अभी कल ही हम लोगों ने एक कंप्लेंट की थी, तो उसके कुछ साथी लोग आज आए। हम लोग खाना खा रहे थे, मैं और मेरा भाई और मम्मी और हमारी चाची लोग बाहर घूम रही थी, तो उन लोगों ने आवाज़ मारी, मम्मी लोगों से पूछा दोनों को निकालो, दोनों लड़कों को, मेरा नाम लिया, ठीक है, और मेरे भाई का नाम लिया कि उनको बाहर निकालो, उनको जान से मारना है, और मम्मी लोगों से उन्होंने अभद्रता की और उन्होंने धक्का दिया, पत्थरबाजी की। घर में हमारे यहाँ बच्चों को चोटें आई हैं, हमारी मम्मी को चोट आई हैं और चाची को भी चोटें आई हैं। पुराना विवाद किस तरीके का था, किस टाइप का विवाद? क्या है, हमारे यहाँ घर के सामने मतलब एक लोकेशन बना के रखी थी, वहाँ जुआ सट्टा डेली का काम था, लड़ाई झगड़े, तो उस विवाद को लेके हम लोग डेली कंप्लेंट करते रहे, डेली कुछ ना कुछ होता रहा, तो उससे लेके कल एक विवाद हुआ, तो लड़के लेके आया, कल भी वही हुआ, झगड़ा हुआ, और हम लोगों ने कल भी एक कंप्लेंट की थी, और वही आज पकड़ा गया है अपराधी, जो प्रियांशु केवट है। तो उसके जो साथी थे आज वो आए और वो अंधाधुंध पत्थरबाजी की, उनने जान से मारने की धमकी दी, और पत्थर हमारी मम्मी को लगा, हमारी चाची जी को लगा, ये हुआ। ये प्रियांशु केवट करता क्या है, कौन है, कहाँ रहता है? एक अपराधी है, इसके और भी बहुत सारे केस हैं। एक अंशुल केवट है, और ये कुछ उसके साथी है, लकी केवट है, एक लल्ली नाम का लड़का है, और एक आकाश चाउमीन नाम का है, जो शायद ठेला इला लगाता है गुलगुल चौक में। आपका शुभ नाम? राहुल केवट। मैं सब, एक विवाद हुआ है अभी, कहाँ का मामला है, कितने लोग हैं? आज रात को करीब 10:30 बजे अंशुल केवट, आकाश कुशवाहा और ओम कुशवाहा मोटरसाइकिल से गए, और विजय सैनी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, जब उसने मना किया तो उसको तलवार से मारे थे। इसके बाद वही लोग उनके साथ आकाश, लल्ली, लक्की एवं अंशुल, ये चारों लोग फिर केवट मोहल्ले में गए, और केवट मोहल्ले में एक 11 बाई केवट हैं, जिनसे उनका पूर्व का विवाद चल रहा है, उस बात को लेकर उनके घर के अंदर घुसकर उनके साथ मारपीट किए हैं, जिसकी दोनों की रिपोर्ट थाने पर हुई है। कितने घायल हुए हैं उसमें? घायल एक को चाकू लगा है और एक को पत्थर लगा है, दोनों को। क्या आरोपी अभी गिरफ्तार हो गए? नहीं, अभी नहीं, उनकी तलाश के लिए टीम रवाना हो। क्या ये आदितन अपराधी है? अब उनका रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है, जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि वो कल रिपोर्ट हुई थी इसी मामले को लेके, और आज रिपोर्ट हुई है, कल विवाद हुआ था, लेकिन रिपोर्ट आज हुई है उसकी, आपका उसी बात को लेके इनके आपस में झगड़ा हुआ। आपका सुनना सीएल पटेल। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो प्रेस न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।